संजय दत्त बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा जिसकी जिंदगी पर बन रही फिल्म को लेकर हर कोई एक्साइटेड है और खासकर जब इस फिल्म के डायरेक्टर हों राजकुमार हिरानी और उसमें भी संजय दत्त की बायोपिक के लिए रणवीर कपूर को सिलेक्ट करना जो शुरुआत में सबको चौंकाने वाला न्यूज था क्योंकि संजय दत्त और रणवीर कपूर की फिजिक और लुक एक दूसरे से काफी डिफरेंट है लेकिन जब पहली बार संजय दत्त के लुक में रणवीर कपूर सबके सामने आए तो सबको मानो एक बार फिर से डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की परख पर भरोसा हुआ और लोग इस फिल्म को लेकर और भी एक्साइटेड हो गए खैर फिल्म को लेकर अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि इसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है साथ ही इस फिल्म का नाम रखा गया है संजू और फिल्म की रिलीज डेट है 29 जून 2018 राजकुमार हिरानी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी फिल्म में रणवीर कपूर के अलावा सोनम कपूर विकी कौशल दिया मिर्जा मनीषा कोयराला और अनुष्का शर्मा भी हैं फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और राजकुमार हिरानी ने रणवीर कपूर और सोनम कपूर के साथ पिक शेयर कर इसकी जानकारी दी साथ ही आपको बता दें कि फिल्म में मनीषा कोयराला संजय दत्त की माँ यानी नरगिस के रूप में है जबकि दिया मिर्जा उनकी वाइफ मान्यता के किरदार में होंगी परेश रावत उनके पिता सुनील दत्त के किरदार में होंगे खैर आप संजय दत्त की बायोपिक के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज गिव योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल